ये यही यही बोले का एलियन है वैका दुनिया की यही जी पत्ते आ रही। अरे मेकअप लगा दी मेहंदी, मेरे को क्या पता मेहंदी नहीं लगाते कम से कम ये तो। और एक एक खुशखबरी है और बताओ क्या क्या खुशखबरी है। बता हाँ बता बताते क्या खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुश परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। अगल बगल भी आदमी है वो रहते हैं कॉलोनी में कि तू ही नहीं रहता है यहाँ पर किसी के घर में देख रहा है। अल्लाह क्यों कर दी फिर अल्लाह कर। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 8 और पतिदेव इतनी लेट में उठ रहे और सासू माँ उनको डांट रही है। आज क्यों डांट रही है आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं ही पहले आया, अंजलि ने बोला ठीक है, नहीं लाया, ये तो कम लगा। ये बोले का एलियन है वैका दुनिया की यही जी पत्ते आ रही। अरे मेकअप लगा दी मेहंदी, मेरे को क्या पता मेहंदी नहीं लगाते कम से कम ये तो पता होना चाहिए। काली मेहंदी लाया हूं करके उसको भी पता है लाल मेहंदी लगाते हैं। मैंने इससे कहा इससे हो जाएगा। काली कब बोला मैंने कहा इससे हो जाएगा इससे कहा हो जाएगा। हम देखता तो सही है काली है लाल है कैसी है करके। सुबह सुबह हो गए यहाँ जा उल्लू ले जल्दी ला कल ला दे तो भिगा के लगाते हो ना थोड़ी देर भिगाना ही पड़ता है उसको। कम से कम थोड़ी देर बैठे तो दिया करो। मैं लेके मैं जा रहा हूं ना ना मैं ला रही हूं मेरे को नहीं आता आलस। मैं जा रहा हूं यार मैं जा रहा हूं उनको तो बस हो गया इतनी छोटी उम्र में आलस आने लग गया अभी से। नहीं आ रहा भाई आलस मेरे पर्स का है। तो यहाँ पे बन गई है मेरी सब्जी। आज मैंने इसमें थोड़ी मलाई डाली शिमला मिर्च और मटर की। ये भी आ गई मेहंदी लेके एक बार डांट खा के। अब आई अकल फाइनली मम्मी आ गई है। बंद दिया आपके लिए अब ठीक है जी भी मिल गई इसको दिखा के रखे हैं बाल ही बाल दिखा रहे हैं। अरे ये दोनों एक जैसे हो गए हो जाएगा। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है ठीक है। यही है डांटना मत कर थोड़ा अपना संयम रखा कर। संयम नाम की चीज धीरज संयम ये सब रखा करो। जब देखो तब डांट लेती हो तुम ऐसे मत करा करो समझ रही हो। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और ये इनको तो पता नहीं कैसी नींद आई है सुबह से समझ नहीं आ रहा मेरे। पता नहीं कैसी थकान लगी है। सुबह 10 बजे से सोए हैं अभी तक मतलब नाश्ता करके सोए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए पोहा क्योंकि थोड़ी वाली भूख लगी है अभी। आज मैंने सासू माँ के बालों में मेहंदी लगाई देखते स्वाति तो है कलर मेरी समझ नहीं आता पर स्वाति का धीरे धीरे चार्ज ले रही है मेरी बहू। आज और दिन स्वाति लगाती थी आज मैंने लगाया पहली बार धीरे धीरे मेरे हाथ में आ रहा है। मैंने पहली बार कलर किया किसी के बालों में पता नहीं कैसा हुआ होगा। और एक एक खुशखबरी है और बताओ क्या क्या खुशखबरी है। बता हाँ बता बताते क्या खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है पता नहीं इसका। हाँ कल से नवरात्रि आ रही है कल ससुर जी भी आ रहे। अरे ससुर जी तो रोज ही आते हैं। क्यों क्यों आते रोज कल ससुर जी छुट्टी आ रहे हैं वो 3-4 दिन 1:30 बजे हाँ ट्रेन से आ रहे वो 2-3 दिन लगते हैं उनको आने में 3-4 दिन क्योंकि काफी दूर हैं ससुर जी। चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई और बनाती हूँ अब पोहा। तो ये लो जी बन के तैयार हो गया है हमारा पोहा और अब इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स। बस ये लो ये लीजिए टेस्ट करना कैसा होगा। जीरा है मस्त तो यहाँ पे आए हैं अभी स्वाति का कॉल। हाँ स्वाति शशि सोर की हेलो हाय हाय अमा की तरह हाय बोल अच्छा
चलो कब तक आओगी फिर? अगस्त तक आओगी ना वापस रक्षाबंधन में? गाइस तो पोहा हुआ तो सब चपका दिया, अब अभी देखो फिर से लटक गए, दिन भर फोन ही चला रहे हो अपने कपड़ों में प्रेस, ये तो लगाने से रहे। चलो उठो, मैं जा रही हूँ यार, उठो, जाना नहीं है, मैं अकेले चले जाऊंगी। हाँ तो जाओ, तभी तो पता चलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मिनट लगते हैं तैयार होने में। उठो तो सही। अबे दो मिनट तैयार हो जाऊंगा तो अपना कर भाई, मैं दो मिनट तैयार हो जाऊंगा। मतलब दिन भर ही फोन में है क्या ऐसा? यही तो जिंदगी का वो है। तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक, OTD जो भी बोलते हैं। तो मैं रेडी हो गई, अब तो हो जाओ खड़े, परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। चलो चलते हैं। मैं जाऊँ तो मैं मेकअप करो, मेरा मेकअप फेकअप हो गया। चलो चलो यार, नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, मत आओ। बाय। आ रहे हो? नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, मैं सब पहनूंगा, मैं इसमें जाऊंगा। जब भी मैं छुट्टी आता हूँ अपने सारे इतने सारे कपड़े बना के लेके आता हूँ, कहाँ जाते होंगे कपड़े, कहाँ है ये अलमारी खा जाती क्या इन कपड़ों को? छत से या छत में लेके आता हूँ, सुबह के धोए कपड़े थे उनको पहनता हूँ। कब से तैयार होके बैठी हूँ, कब से कपड़े ही नहीं मिल रहे अब रात को। सबसे पहले हमने जाना है हॉस्पिटल, मेरी नानी की रिपोर्ट्स लेनी है। कहाँ है वो? पीली कोठी में ना, वहीं जाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो और नवरात्रि है तो हमने बहुत सारा सामान लेना है नवरात्रि का। मैं बहुत तो हमारा काम नहीं बना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बंद हो गया था और हमको पता नहीं था। We are going to अभी हम जा रहे हैं स्टूडियो, मुझे कपड़े ले रहे हैं समर के। प्लीज पर मुझे एक वो पसंद आया, चप्पल पसंद आ रहे थे और एक शॉर्ट्स पसंद आया, आपकी अनुमति चाहता हूँ श्रीमान लेने के लिए। चलो ऊपर चलते हैं। और आज हमने ये लिया, अरे 0.4 अब कहाँ जाना? अब मैं जा रही हूँ मैक्स के स्टोर, मैंने अपने लिए कुर्तियाँ लेनी और समर्स के टॉप लेने। अभी से उधार मांगने लग जाओगे। ये आ गए हम मैक्स के स्टोर, चलते हैं। डर लग रही है, मैं पहली बार बैठा हूँ। सो फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है डन, अब मैंने लेनी है नवरात्र के लिए चूड़ियाँ लूंगी, साड़ी के लिए हमने मैक्स से लिया। मुझे मैक्स की कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं। दूसरा वाला तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गए तब से। मत्था खरीदा, मत्था मत्था हो जाएगा मम्मी के लिए ना। और ये होगी फांस, दही होगी, अब चलें घर को। और घर पहुँच के मम्मी को खाना बनाते खिलाते हैं। घर पहुँच गए, बहुत अंधेरा हो गया आज तो, घर पहुँचते पहुँचते हो गया। खुश हो अब? आज तो शॉपिंग भी कर ली। कहाँ की? क्यों नहीं खरीदी तुमने कुर्ती? पुर्ती कुर्ती तो ली। बाप रे, ये हो गई पूजा? हो गई पूजा? हो गई। दिखाया मंदिर? मंदिर के ना के पापा करवाते हैं, कल पापा पहुंच जाएंगे। ऐसी खुशहाली साथी क्या कहते हैं जो स्माइल मार रही है, देखो मम्मी कैसी नहीं है, ठीक है, कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा था, तो कहां माता की मूर्ति ना, दिखा। अब बनाने है तुम्हारा है हाथ में, अच्छी लगी ना? हाँ बहुत अच्छी लगी। बताओ कितने कितने की होगी? 500 की, 450 रुपए की दी उन्होंने। 400 को लेना पहले बोल रहे हो? नहीं वो फिक्स रहता है उनका यार। क्यों रहता है फिक्स? रहता है अगल बगल भी आदमी है, वो रहते हैं कॉलोनी में, कि तू ही नहीं रहता है यहाँ पर, किसी के घर में देख रहा है। अल्लाह क्यों कर रही है? अल्लाह अल्लाह मत कर, गला क्या हो गया इनकी? नटक ये देखो, अल्लाह करना गलत बात है, ऐसे हल्ला नहीं करना चाहिए। यो नाला के चिपची फेर रही हो रंग में रात में, यो उससे ही गाना के फेर रही हो, यो देखियो, यो झूठ बोलनी हो तो
देख ले, देख लो। क्या था? मम्मी को थोड़ा मतलब काम करते समय लो फील करती है ना वो, तो उनको थोड़ा हाई फील कराने के थोड़ा गुस्सा दिलाना पड़ता है। इससे क्या होता है उनका ब्लड प्रेशर और वो सब चीज ठीक रहता है। ये सिर्फ एक बेटा समझ सकता है जो कि मैं, मैंने अभी तक शर्ट में